नमस्कार, स्वागत है आपका R9 टीवी में और मैं हूं ऋतुवेश। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि हिसार के कैंट एरिया से 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है, उनको पकड़ा गया है। बताया जा रहा है कि जवानों की खुफिया जानकारी ये इकट्ठा कर रहे थे और कहीं ना कहीं एक बड़े हमले की फिराक में यहाँ पर हो सकते थे। तो ज्यादा आपको जानकारी दे दें, यहाँ पर कहा जा रहा है कि जासूसी के शक में फिलहाल सेना ने इन तीनों युवकों को पकड़ लिया है। कहा जा रहा था कि कैंट एरिया में कुछ निर्माण का कार्य चल रहा था और ये मजदूरी करने वहां से आए थे, शामली और मुजफ्फरपुर से। बताया जा रहा है कि वहां पर ये लाए गए थे और मजदूरी कर रहे थे, लेकिन इसी दौरान एक मजदूर वहां पर अपने फोन में कुछ रिकॉर्डिंग कर रहा था। जवान जो वहां पर अपना सुबह का जो वक्त होता है, अपनी जो मार्चिंग है वो कर रहे थे, तो उसी दौरान ये शख्स जो है वो उस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा था, जिसके बाद एक जवान ने देखा और पकड़ लिया गया। और जब फोन को खंगाला गया तो उसमें पाकिस्तान के कई नंबर्स पाए गए हैं। तो फिलहाल जब और पूछताछ की गई और टटोला गया तो 2 और यहां पर मजदूर देखे गए, तो कुल मिलाकर 3 ये संदिग्ध हैं जिनको गिरफ्तार कर लिया गया है पुलिस के जरिए। और कहा जा रहा है कि बेहद ही जल्द इनको सेना को दे दिया जाएगा। तो सेना की पूछताछ में ये भी कहा जा रहा है कि बार बार ये जो संदिग्ध हैं वो अपने बयानों को बदल रहे हैं और देखना होगा कि जब सेना अपनी सख्ती से पूछताछ करेगी तो क्या कुछ राज यहां पर उगल सकते हैं। आपको बता दें कि पहला वाक्य नहीं है जब इस तरह से हिसार के कैंट एरिया में संदिग्धों को पकड़ा गया हो और कुछ खुफिया जानकारियों को यहां से पाकिस्तान पहुंचाने की कोशिश की जा रही हो। इससे 18 साल पहले भी कहा जा रहा था कि एक संदिग्ध को पकड़ा गया था, कई अहम दस्तावेज यहां से लिए जा रहे थे, लेकिन उस दौरान भी पकड़ लिया गया इस जासूस को। और अब जब ये 3 संदिग्ध यहां पर पकड़े गए हैं, इनसे पूछताछ की जा रही है। तो चलिए, तमाम बाकी अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए R9 TV के साथ।